स्टूडेंट छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। जिंदगी में कैसे सफल हुआ जाए, कैसे खुश रहा जाए, कैसे थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन लाया जाए जिंदगी में। कुछ चीज़ें बस जिंदगी में अपना लीजिए, खुश भी रहेंगे, जो सोचते हैं उसमें सफल भी होंगे और बिल्कुल जो है सेटिस्फेक्शन भी लेवल रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी भी लक्ष्य को आपने जो है डिसाइड किया कि मुझे ये बनना है, उसके बारे में सब कुछ पता करो और बिल्कुल अपनी एनालिसिस पहले करो कि भैया तुम कर पाओगे कि नहीं। ये नहीं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक दिन देख लिया, दूसरे दिन फिर सो गए, ठंड जाता है, ये नहीं करना है। अगर कोई चीज सोची है तो भैया उस पर लगे रहो, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मेहनत करो बहुत जान से, पूरी जान लगा दो उसमें। बाकी देखिए, दुनिया में खुशी तो फैलेगी, अगर आप बन गए कुछ तो फिर आप खुश हो जाएंगे, और अगर आप नहीं बने तो आपके पड़ोसी खुश हो जाएंगे। लेकिन खैर, इन सब चीज़ों से ज़्यादा हम लोग को मतलब नहीं होना चाहिए, कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया है, मान लो एक बार फेल हो रहे हो, दो बार फेल हो रहे हो, तीन बार फेल हो रहे हो, चार बार फेल हो रहे हो, लगे रहो, लगे रहो, पेशेंस, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बेवकूफ टाइप के, हुतिया टाइप के लोग आपकी बेइज्जती करते रहेंगे बार बार, वो सब सह लो उस टाइम, वक्त बताएगा, वक्त बहुत बदवान होता है। एक और चीज है कि हेटर्स का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप इतनी मेहनत करोगे, तो मेहनत जब करते जा रहे हो, कोई तो होना चाहिए जिसको हौंक भी सको, तो हेटर्स को टाइम मिले तो हौंक दो सीधा। और हेटर्स को हौंका तभी जा सकता है, किससे जा सकता है, आपकी सफलता से। इतने सफल हो जाओ, इतनी मेहनत कर लो कि भैया हेटर जो है वो हेट इसलिए करे क्योंकि वो आप जैसा बन नहीं सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक और काम करो कि जो निगेटिव लोग होते हैं आपकी जिंदगी से, उनको इग्नोर कर दो। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही निकाल के फेंक दो। जो मतलबी लोग हैं या निगेटिव लोग हैं, इनको पहचानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो है ये आपसे अपना मतलब निकालते रहेंगे। आपको जो है जैसे जोंक होता है ना, वो खून चूसता रहता है। अब जो है वैसे तो कुछ लोग कहते हैं बॉडी के लिए भी वो अच्छा होता है, तो वो वही वाली बात हो गई हेटर्स की, लेकिन दर्द हो रहा है जबरदस्ती का, काहे दर्द झेलो। तो ऐसे ये कीड़े होते हैं निगेटिव लोग, ये जो है आपको चूस भी लेंगे, आपसे अपना काम भी निकलवा लेंगे और आपको बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे लोगों को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंको, इग्नोर कर दो सीधा, सिंपली इग्नोर करो। इग्नोर करना इसे सीखो थोड़ा सा। कुछ चीज़ें स्टूडेंट की लाइफ में होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, हार्डवर्क के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए आदमी को, आदमी औरत मतलब दोनों, स्टूडेंट को। और एक चीज और है कि सिस्टम में हमेशा दोष मत निकालो कि अरे उसका पेपर लीक हो गया, अरे उसने स्केलिंग नहीं किया, अरे उसने ये नहीं किया, अरे उसने ये नहीं होता है। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए, जिंदगी में अगर आपने कुछ सोच लिया और आपको जो है पता है कि आप कर लोगे, विल पावर मजबूत है ना, तो भैया कुछ ना कुछ तो उखाड़ा ही लोगे, ये तो समझ लो। तैयारी करी, मान लो आपने ISPCS की, नहीं हुआ 5 साल, 6 साल, 7 साल, नहीं हुआ, फाइनली सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, तो भी क्या लाइफ खत्म हो जाती है? ये लाइफ बहुत बड़ी है, किसी भी IAS से, किसी भी IPS से, किसी भी PCS से लाइफ बहुत बड़ी है। अरे यार, कुछ क्या पता आप कुछ ऐसा बनने वाले हो जो ISPCS हो, इन सबसे भी बहुत ऊपर हो। एक IAS के पास, एक PCS के पास, एक IPS के पास एक अपनी जगह की पावर होती है, अच्छा चेंज ला सकता है। लेकिन जो ये लोग भी तो किसी को सलामी करते हैं, मंत्री हो गए, नेता हो गए, या फिर कोई और बिजनेसमैन हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, स्टार्टअप वाले हो गए, लाखों लोगों की लाइफ बना देते हैं। तो मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और हमेशा उन लोगों के साथ जो है रहिए जो आपको इंस्पायर करें। और एक चीज़ और है कि जो रोना रोने वाले लोग होते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, हमारे रिश्तेदार ने ये कह दिया, मैं क्या करूं, ये वाले लोग हमेशा कमियां निकालेंगे। अगर आप कोई चीज जो है करना चाहते हो तो जो है लाख जतन करके मिल जाएगी, और नहीं करना चाहते हो तो चाहे आप करोड़ बहाने कर लो, नहीं करोगे। वो ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। और ये सारी चीजें मैं इस हैसियत से भी बोल रहा हूं कि मेरे फादर की जब जो है डेथ हुई, उसके बाद से मैंने कैसे स्कूल में पढ़ाई करी। इतने भी पैसे नहीं होते थे कि जो है फीस दे सके हैं उस टाइम के, जबकि गवर्नमेंट जो है SBSE बोर्ड में पढ़े थे। किसी तरह मेरी मदर ने जो है प्राइवेट ट्यूशन करे,
मम्मी ने सपोर्ट दिया, मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा। ऐसे ऐसे टाइम देखे, लोग जो है हमारे दोस्त कोचिंग जाते थे, हम उनके नोट्स पढ़ के तैयारी करते थे, उनको सॉल्व करते थे। काफ़ी वैसा जो है टाइम बीता है। शुक्लागंज में रहा हूँ मैं, शुक्लागंज में लोग जानते हैं मुझे, जो लोग जानते होंगे वही लोग। तब से लेके आज जो पोजीशन है कि पीसीएस में क्वालिफाइड था, आरआरएस में भी, यूके पीसीएस में भी इंटरव्यू तक गया, फिर मेडिकली नॉन फिट दे दिया गया, फिर नहीं किया मैंने जॉब। मारुति में कर चुका हूँ, टाटा में कर चुका हूँ, हिंकल में कर चुका हूँ। इस समय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चला रहे हैं, नाम तो हमारा सुना ही होगा आपने। भले ही जो है आप हमसे हेट करते हो या लाइक करते हो, जानत तो हुई हो गुरु, यही एटीट्यूड रखना है। कोई भी चीज़ के लिए अगर आपने मेहनत करी है तो भैया उसका फल निकालना है। या तो किस्मत के भरोसे बैठे रहो या फिर छीन लो किस्मत से। क्या बनोगे आप, ये आपको खुद डिसाइड करना है। कोई दुनिया में किसी को कुछ बना नहीं सकता है, राह दिखाई जा सकती है, गाइड किया जा सकता है। ये जो आग है ना, ये खुद होनी चाहिए अंदर। और बाकी दुनिया में हर आदमी के हेटर्स हैं, हर लोगों के सामने अगल बगल निगेटिव लोग हैं। ये हम ही लोग तो हैं जो किसी के हेटर हो जाते हैं, किसी के निगेटिव, किसी के लिए निगेटिव बन जाते हैं, किसी के लिए पॉजिटिव बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं कि भैया आप डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के अपनी लाइफ संभाल सकते हो, आईएएस पीसीएस बन के अपने परिवार की लाइफ संभाल सकते हो, टीचर बन के कई सारे आईएएस पीसीएस बना सकते हो, मंत्री बन के देश की लाइफ संभाल सकते हो। तो मतलब हर एक जॉब के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। जो भी चीज़ है, जो आपको लेनी है, जो मतलब चाहते हैं, कुछ जिंदगी में करना चाहते हो ना, तो भैया खड़े हो जाओ और एकदम डट जाओ। हर चीज पाई जा सकती है। मतलब ये आप कह दो कि लो 32 साल के हम हो गए, 33 के हो गए, बताओ यूपीएससी कैसे देने, ये नहीं। अगर मान लो नहीं भी हो पाया तो कुछ ऐसा करो जो उससे भी बड़ा हो। हर चीज का तोड़ है, हर कोई ना कोई किसी को सलामी दे रहा है, हर एक शेर का स्वभाव शेर है। बस ये चीज याद रखो, बस आपको क्या करना है वो देखो, इधर उधर क्यों लिबिर में फालतू दिमाग में जा रहे हो, चलो पढ़ाई करो जाके।